हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका एक ही टीम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका यूपीटीयू है यानी एकेटीयू, जिससे हम कहते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तो उसका जो बी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको आपको किस तरीके से क्वालिफाई करना है, इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और कौन सी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हमको अपनानी है ताकि हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है, वीडियो पसंद तो लाइक वाला बटन दबाना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को शेयर भी करना है। चलिए दोस्तों, फटाफट अंदाज में बिना टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मैंने पहले भी आपको कई बार बताया कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए दो चीज़ें आपके माइंड में सेट होनी चाहिए, एक तो उस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न और दूसरा इस एग्जाम का सिलेबस। अगर दो चीज़ें आपको अच्छे से पता है तो वो एग्जाम आप क्रैक कर जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है यूपीटी में बी फार्मा के एंट्रेंस के लिए। तो इसमें आपका 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 150 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं जो कि आपको 600 मार्क्स तक दे सकते हैं, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स दे सकता है अगर वो सही है। आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट बात यह है जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है कि किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रखी गई है, यानी कि अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता तो कोई भी नंबर आपका नहीं कटेगा। बट आपको इसको देख के तुक्का बिल्कुल नहीं मारना है, क्योंकि इसके पीछे की बात यह है, अगर आपके 50 में से 50 क्वेश्चन सही होते हैं और अगर किसी दूसरे बंदे के 70 में से 50 क्वेश्चन सही होते हैं तो आपका एवरेज अच्छा है, तो आपकी रैंक उससे ऊपर रहेगी। तो कब मारना है, बट कब मारना है। टाइम की बात करें तो आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा जो कि आपके लिए सफिशियंट है। तो ये एग्जाम पैटर्न आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है। दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि अगर आपने 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रखी हुई है या आपने 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रखी हुई है, बस आपके पास साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, आप बी फार्मा को करने के लिए एलिजिबल रहते हैं। यानी कि इस तरीके से मैथ या बायोलॉजी दोनों वाले स्टूडेंट बी फार्मा को कर सकते हैं। इसलिए अब हम बात करेंगे, जब आगे तब बताऊँगा कि आपको मैथ और बायोलॉजी दोनों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं अगर फिजिक्स की, तो फिजिक्स से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके 200 मार्क्स के होंगे। यानी कि आप फिजिक्स देख सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है 150 नंबर का, उसमें से 50 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के आने वाले हैं। अब अगर बात करें हम अपने पोर्शन की, अगले पोर्शन की, तो अगले नंबर पर हमने रखा हुआ केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री से भी आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके होंगे 200 मार्क्स के। यानी कि केमिस्ट्री भी आपके एग्जाम का जो पेपर होता है उसमें से 33% क्वेश्चन को कवर करता है। अब बताएं वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि मैथमेटिक्स क्यों लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर आपने 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स रखा है तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछेंगे, बट अगर आपने 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रखा हुआ है तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास 12th में क्या था, फिजिक्स या सॉरी बायोलॉजी या मैथ है। तो उसी तरीके से फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट जो है वो फिक्स रहेगा और बायोलॉजी या मैथ इनमें सब्जेक्ट आपका वेरी करेगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास मैथमेटिक्स थी तो मैथमेटिक्स से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके 200 नंबर के होंगे। यदि आपके पास बायोलॉजी थी तो आपके पास बायोलॉजी से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके 200 मार्क्स के होंगे। यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से आपके 50 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और मैथ या बायोलॉजी से भी आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने क्या रखा हुआ था अपने 12th में। तो दोस्तों, ये एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। इससे पहले हमने बी फार्मा पे एक वीडियो अपलोड किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देख लीजिए, वहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी से रिलेटेड सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और वीडियो के लास्ट में बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात में, जो कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हमारी क्या रहने वाली है इस एग्जाम से रिलेटेड। बट डियर फ्रेंड्स, अगर इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की हम बात करते हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको जो 11th और 12th में NCERT की बुक्स रहनी है उनको पढ़ना है। अगर आपने NCERT की बुक्स नहीं पढ़ी हैं तो आपकी जो स्टेट बोर्ड की बुक्स रहती हैं उनको आपको पढ़ लेना है, क्योंकि यूपीटीयू ने जो सिलेबस अपने नोटिफिकेशन में बताया है वो सिलेबस मैंने एनालाइज किया है और वो डायरेक्टली मैच करता है आपका जो बोर्ड एग्जाम का सिलेबस रहता है 11th और 12th में उससे। हमने पिछले वीडियो में उस सिलेबस के बारे में पूरा डिस्कशन किया था, वो वीडियो आप ज़्यादा डिटेल के लिए देख सकते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में मेन थिंग आपकी ये रहेगी कि 11th और 12th में आपको जो आपकी बुक रहती है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायो चाहे कोई भी सब्जेक्ट रहे उसकी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा लास्ट में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस टेस्ट जो होते हैं यानी कि मॉक टेस्ट जो होते हैं उनको आपको सॉल्व करना है।
इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका एग्जाम नज़दीक आने वाला है, आपके पास बहुत कम टाइम है, तो इसके लिए ये प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं कि आप मार्केट में जाएंगे, वहाँ पे आपको वेरियस पब्लिकेशन की बुक मिल जाएगी जो कि एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड होती है। एक पतली सी बुक होती है जिससे आपका क्विक रिविजन हो जाएगा, जो कि अपने 11th और 12th में पढ़ा रहता है, तो वो बुक आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित हो सकती है रिविजन करने के लिए, क्योंकि उसमें आपको कम टाइम में सभी चीज़ें लगभग कवर हो जाती हैं। तो वो बुक आप परचेज कर सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अपनी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट, ये तो आपको लगाना ही लगाना है, और इसके अलावा 12th की जो बुक रहती है, 11th की जो बुक रहती हैं, उनको आपको अच्छे से कवर करना है, हर किसी सब्जेक्ट की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, चाहे कुछ भी रहे। तो यही प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपको अपना के चलना है। इसके अलावा अगर दोस्तों, अगर बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स की, तो अगर आपको बी फार्मा से रिलेटेड किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, तो यहाँ पे आपको लगभग 400+ मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे, इससे ज़्यादा ही मार्क्स आपके होने चाहिए तभी आपको किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। और 400 मार्क्स लाने के लिए आपको कुछ अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने बहुत ही मतलब कुछ ज़्यादा इसको हल्के में एग्जाम में लिया, तो इस एग्जाम को आप डिस्क्वालीफाई कर देंगे, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन आपको नहीं मिल पाएगा। तो आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना, तो आपको उसको अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, अच्छे से तैयारी आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपको इस एग्जाम से रिलेटेड या UP2 के किसी भी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में हमसे लिख के पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई किया जाएगा। इसके अलावा हम लगातार इस पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी भी आपको सिलेबस से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, या UP2 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसके नोटिफिकेशन सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपको यही ध्यान रखना है कि 11th और 12th की जिस बुक में आपका जैसा सिलेबस रहता है, खासकर NCERT की बुक, वही आपका सेम सिलेबस रहने वाला है, वही आपकी प्रोफेशनल स्ट्रेटजी रहने वाली है। आपको थ्योरेटिकली और क्या नाम आपका जो आपकी प्रैक्टिकल चीज़ें रहती हैं, यानी कि जो आपके प्रिंसिपल रहते हैं, दोनों को अच्छे से कवर करना है, दोनों के क्वेश्चन इस एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो फिलहाल कर लेते हैं उस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।